बार बार जीवों का जन्म होता रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म होता है मृत्यु होता है। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु होता है उसका जन्म निश्चित है, अगर वो भगवत धाम नहीं जाएगा। और ये सृष्टि के अंत में भी, सृष्टि के प्रलय के बाद भी व्यक्ति का मुक्ति होता है, मुक्ति नहीं होता, निरोध सब महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, और अगला जब सृष्टि होता है फिर से वो बाहर आते हैं। जैसा आप जमीन पे बीज डालोगे, थोड़ा समय तक कुछ आता नहीं है, इट्स देयर इन अ डॉर्मेंट फॉर्म। या हम देखते हैं कि बारिश होने से पहले जमीन पूरा ड्राई रहता है, ब्राउन लैंड, तुरंत बारिश होते ही क्रॉप स्टार्ट टू कम। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो बीज है, क्योंकि उनको अवसर नहीं मिला है, देयर इन अ डॉर्मेंट स्टेज। जब अवसर मिलता है तुरंत आते हैं। तो वैसे ही हम सब भगवान के शरीर में, वी आर इन अ स्टेज ऑफ नॉन मैनिफेस्टेशन। जैसे निद्रा, हम सब सोए हुए हैं, जैसे हम रात को सोते हैं भूल जाते हैं, सुबह उठ के जहां छोड़ा था वहीं से कार्य शुरू करते हैं। तो वैसे ही सृष्टि के अंत में जब प्रलय होता है और महाविष्णु के शरीर में हम चले जाते हैं, और फिर से जब वो दृष्टि डालते हैं ये प्रकृति के ऊपर और ये जीव प्रवेश करते हैं, दे स्टार्ट टू वर्क डिफरेंटली इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिजायर्स। हर एक व्यक्ति को अलग अलग शरीर मिलता है, अलग अलग कार्य करते हैं, जहां उन्होंने छोड़ा था, जो इच्छा के साथ या जो कर्म के साथ महाविष्णु के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया था वहीं से शुरू होता है उनका कार्य। तो जब तक हम भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से नहीं करेंगे तब तक ये वापस आता रहना पड़ेगा। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं अगेन एंड अगेन द लॉर्ड हैज टू मैनिफेस्ट देम। और ये भगवान बार बार ये अवसर देते हैं हम सबको, ये भौतिक दुनिया में आके हमारे जो सीख है वो सीखने के लिए, और ताकि हमको ये ज्ञान आए और वापस उनके पास चले जाए।